आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ वर्णमाला से जुड़े हुए प्रश्न। देखिए, इससे पहले वाले आपकी क्लास जो हुई है उसमें मैं आपको पूरा एक टॉपिक वाइज यानी क्विक रिवीजन करवा चुकी हूँ वर्णमाला का, और मोस्ट प्रोबेबली उसमें मैं आपको नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, सो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण आपके जो वर्णमाला से संबंधित हैं। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं, और पूरे 60 क्वेश्चन आज आपके 50-60 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी आज का फर्स्ट, और कल के बेसिस पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 60। ओके, और इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो इससे पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। हिंदी की शा ध्वनि है तालव्य इज द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, और चार ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगी, आप पढ़ेंगे चार ऑप्शन, और उसके बाद में अपने मन में सोच लेंगे कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर जब मैं आंसर बताऊंगी तो आप देख लीजिएगा कि आपका सही था या नहीं। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, यानी कि जब आप उसे उच्चारित करें तो उसमें ओठ का जो आपके ओष्ठ हैं इनका ना हो। ठीक है, उच्चारण करते समय इनका संबंध ना हो। देखिए, मा बा ऊ आ, तो जब आप क्या बोलेंगे बताइए, जब आप आ बोल रहे हैं तो आ में क्या है, आपकी कंठ से आवाज़ आ रही है। कल का जो क्लास है ना, कल की आपकी जो क्लास है उसमें सब बताया मैंने, अलप्राण महाप्राण संयुक्त और ध्वनियाँ सब कुछ, तो वो एक बार क्विक रिवीजन करके आइएगा, और तब क्लास आपके लिए ये वाली भी महत्वपूर्ण होगी। और फिलहाल यदि आपने पहले से वर्णमाला पढ़ रखा है, रिवाइज कर रखा है, तो आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। ओके, देखिए, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह है, कौन सा समूह है, ये आपके हर एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न हैं, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा, है ना। अल्पप्राण महाप्राण हमने आपको बताया था, क्या बताया था, किसी भी वर्ग का दूसरा, बताइए क्या बताया था, दूसरा और चौथा क्या होता था, पहला तीसरा और पांचवा क्या होता था। देखिए, जो आपका पहला तीसरा और पांचवा अक्षर होता था यानी वर्ण होता था वो अल्पप्राण होता था, और जो दूसरा होता था चौथा होता था वो क्या होता था, महाप्राण होता था। बताया था ना कल मैंने आपको, घोष अघोष 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 ये वाला सब पूरा संबंधित जितनी चीज़ें थी सभी भी बताई थी। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, बताइए क्या नहीं होता है, यस आकाश नहीं होता। वर्ण मतलब अक्षर भी होता है, वर्ण मतलब जाति भी होता है, वर्ण मतलब आपका रंग भी होता है। ठीक है, कौन वर्ण घोष नहीं है, पूछा गया शब्द आपके क्वेश्चन में, घोष नहीं है, क्वेश्चन पे नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, तभी आंसर अपने मन में सोचिएगा। यस, तो आपका जो ता है वो क्या है, घोष नहीं है, वेरी गुड, है ना। इसी के साथ में देखिए, आज हम लोग पूरे 50-60 क्वेश्चन करने वाले हैं, सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस करने के लिए आप हमारी क्लास को डेली ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, आपने अपने अभी तक जो हिंदी के नोट्स बनाए हुए हैं आप वो पढ़िए प्रॉपर, और उसके बाद में आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं एक तरीके से कोई भी टीचर आपकी वारंटी तो नहीं ले सकता, बट ये मान के चलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही पूरे सही हो जाएंगे, क्योंकि देखिए बस अंतर इतना ही होगा, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि पा का उच्चारण स्थान कहाँ से है, जो मैंने आपको क्वेश्चन में करा लिया है ना, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए फा का उच्चारण स्थान क्या है। आपको पता ही है कि जो पा फा बा भा वाला वर्ग है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो ओष्ठ आंसर होगा, है ना। तो ऐसे कुछ चेंजमेंट रहेंगे, है ना। सो इस बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। बताइए, अब आप तक आपने पढ़ लिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, स्वर के बाद के आने वाली नासिक ध्वनियाँ जो होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। किस शब्द में री स्वर नहीं है, बताइए किस में नहीं है, तो यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रिवाज में नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। देखिए, दंतव्य अर्थात जो जिसका जब आप उच्चारण करें तो आपके दांतों से उसका उच्चारण हो, अर्थात आपकी जुबान आपके दांत को टच करे, ठीक है, या ता चा या फिर डा, आप बोल के एक बार देखिए, है ना, तो साफ साफ आपको समझ में आ जाएगा, ता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 60, तक घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, जब आप इसे उच्चारित करेंगे तो क्या निकल रहा है, का ख ग घा निकल रहा है ना, तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या हो जाएगा, आपका कंठ, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान सकल सचल सक्षम शब्दों का सही क्रम होगा, क्या होगा, तो संतान ये होगा आपका, संतान सकल सक्षम या उसके बाद में सचल, शब्दकोश के अनुसार पूछा गया था। ठीक है, तो आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
फिर देखिए, निम्न में से महाप्राण वर्ण है, महाप्राण वर्ण पूछा गया है, अल्पप्राण महाप्राण ऐसे बताया था ना मैंने आपको, फिर अल्पप्राण महाप्राण ऐसे बताया था। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ता था, था आपका कैसा है अल्पप्राण, क्या है अल्प नहीं ता, देखिए ऐसे पढ़ाया था ना मैंने, देखिए ता वर्ग में क्या आता था, ता था द ध न, ठीक। तो ता आपका जो होता था वो क्या होगा अल्पप्राण, था आपका क्या होगा महाप्राण, फिर द आपका क्या होगा अल्पप्राण, धा आपका क्या होगा महाप्राण, और ना आपका क्या हो जाएगा अल्पप्राण। तो यहाँ पे पूछा गया था निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है, तो था आपका क्या है महाप्राण वर्ण। हिंदी शब्दकोश में अंग व अह किस वर्ण के साथ आता है, तो देखिए किस वर्ण के, जब आप इसे उच्चारित करेंगे ना तो ये आ के साथ आता है, ठीक है, अंग अह। फिर देखिए क्षा वर्ण किसके योग से बना, संयुक्त अक्षर जो मैंने कल आपको पढ़ाए थे तब उसमें बताया था, शा का और शा, और इन सा शा शा। ऊष्म व्यंजन के बारे में भी बताया था मैंने, ऊष्म व्यंजन आपके चार होते हैं, वो भी कल के क्वेश्चन उसमें था सेशन में। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है अर्थात मात्रा विहीन, सो देखिए यहाँ पे आपका कलरव, कलरव में क्या किसी मात्रा का प्रयोग हुआ है, नहीं, सो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा कलरव। फिर देखिए अयोग वाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो विसर्ग को कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ में देखिए क्वेश्चन नंबर 75, टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है, कंत मूर्धन्य तालव्य या फिर दंत, तो कैसे हैं आपके मूर्धन्य, देखिए जब आप टा बोल रहे हैं तो आपकी जुबान फोल्ड हो रही है। फिर देखिए प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि, ये क्वेश्चन तो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिए स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका हाल ही में ज्ञान, ये आप समझिए लेवल देखिए, ये UGC नेट हिंदी में पूछा गया जो आपका 2015 जून में हुआ था, ठीक है। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है क्वेश्चन लेवल का, है ना, क्या है लेवल क्वेश्चन का, आगे पीछे हो गया था, सॉरी फॉर डैट। तो देखिए पार्श्विक क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका पार्श्विक, विशेष ध्यान रखिएगा पार्श्विक है आपका, ला कैसा है तो पार्श्विक है, बहुत बार बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, देखिए टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सोचती हूँ जल्दी से फटाफट से करवा दूँ, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो तब भी आपके लिए ये कक्षा उपयोगी हो, ठीक है। कोई एक घंटे में अपने नोट्स पढ़ लेगा, और जैसे मान लीजिए आपकी ये क्लास 20 मिनट की भी हुई तो आप क्या करिए उसको 2x में देखेंगे ना, तो आपकी कितनी मिनट की होगी 10 मिनट, और हमें नहीं लगता कि आप 10 मिनट में 50 क्वेश्चंस कर लेंगे तो ये आपके लिए बुरा होगा। मैं तो ये कहूँगी कि इतने कम टाइम में आप अगर सेल्फ भी करेंगे ना तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, है ना। और जब आप किसी चीज़ को वीडियो के माध्यम से देखते हैं तो वो देर तक स्टेबल रहता है आपके माइंड में, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका संयुक्त नहीं है, ये का और श से, इत्ता और र से, ईश और र से, ठीक। ये सब हमने बताया था कल कैसे बनते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, याद रखिएगा आपको पढ़ाए थे मैंने स्पर्श संघर्षी व्यंजन, यस ए इज द करेक्ट आंसर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कितनी है, 33 है, वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में क्षा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, बताइए, तो का के बाद आता है, जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो क्या छा पढ़ते, नहीं ना, इसको क्या पढ़ते, क्षा, है ना। फिर देखिए ए के उच्चारण स्थान का नाम है क्या, मतलब जब आप इसे उच्चारित करते हैं तो कौन सा भाग आपका सक्रिय रहता है, तो कंठ और तालव्य दोनों भाग आपके मुख के सक्रिय रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, कल मैंने आपको ये भी बताया था अंतस्थ व्यंजन सारी, आप यदि एक क्विक रिविजन लेना चाहते हैं तो आप कल की क्लास ज़रूर देखिएगा। यस बी इज द करेक्ट आंसर, हाँ नहीं है, तो फिर अगर ये हाँ ये नहीं है तो क्या है, ये आपका एक ऊष व्यंजन है। अघोष वर्ण कौन सा है बताइए, अघोष वर्ण आपका कौन सा है, तो सा आपका कैसा है अघोष वर्ण है। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, बताइए तालव्य ध्वनियाँ यानी कि ऐसा कौन सा ये ग्रुप है कि जिससे तालव्य से सारे आपके उच्चारित हों, चा छा जा झा, पहले ही मिल गया, पहले ही आपका क्या है ये तालव्य है। फिर देखिए कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है, तो कौन सी ध्वनि अल्प प्राण होगी, अभी मैंने आपको बताया था कि पहला और तीसरा आपके क्या होते हैं अल्प प्राण होते हैं, दूसरा चौथा और पांचवा आपके क्या होते हैं महाप्राण व्यंजन होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, किसी भी वर्ग के, अब मैम सोच रही हूँ मैम व्हाट इज़ वर्ग, जैसे जैसे आपने लिखा का खा गा घा अंगा, ठीक है ऐसे लिख दिया, तो ये जो पहला होता है ना इसी के इस उद्देश्य से नाम रख दिया जाता है, ये पूरे के क्या हो गए का वर्ग के हो गए, तो जब ये का वर्ग के हो गए तो का वर्ग का पहला अक्षर, ठीक है ध्यान से सुनिएगा मेरी बात,
अब आखिरी बार बता रही हूँ मैं अल्पविराम, क वर्ग का पहला अक्षर और क वर्ग का तीसरा जो आपका अक्षर या वर्ण होगा वो क्या होगा, आपका अल्पप्राण होगा, बाकी क्या होंगे, महाप्राण होंगे, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। सो यहाँ पे आपने करेक्ट आंसर क्या देखा, 86 का डी था। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है द ह थ भ। अब देखिए यहाँ तो एक ही चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा, कैसे, अभी हम आपको बताते हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, था, क्या हो जाएगा, था। अब आप सोच रहे होंगे दा भी हो सकता था, ता था दा धा ना होता है ना, तो आप सोचेंगे दा भी हो सकता है, लेकिन नहीं, दा नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या अल्पप्राण है, क्या है, अल्पप्राण। महाप्राण भी होना चाहिए, दंत्य भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए और स्पर्श भी होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका, था हो जाएगा। ठीक है, हिंदी को स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सब आपके बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, ये मान के चलिए आप PGT वगैरह में पूछे हुए प्रश्न हैं सारे, ठीक है। और अगर आप ये लेवल कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि बहुत ही अल्टीमेट तैयारी है आपकी। भा इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्वर संवृत्त है, स्वर संवृत्त बताना है आपको यहाँ पे। यस, ई क्या है आपका, तो स्वर संवृत्त है, संवृत्त, विवृत्त, अर्धविवृत्त सब बताया है कल। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ, अब मूर्धन्य अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, बार बार नहीं बताऊँगी मूर्धन्य क्या होता है। यहाँ पे टा ठा डा ढा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हिंदी की बा ध्वनि, मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो, मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी जितने सारे क्वेश्चन आप कर लें, मतलब आपके सामने यदि कोई प्रश्न वीडियो के माध्यम से एक बार फ्लैश हो गया तो वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहने वाला है। सो हम चाहते हैं कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो, टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं। उस टाइम में आप अपने प्रॉपर नोट्स पढ़ सकते हैं, आप अपने जो भी प्रॉपर डिटेल्ड वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना जैसे GS के, वो पढ़ सकते हैं आराम से, है ना। हिंदी की बा ध्वनि है, सीधी से पता है जब आप बा का उच्चारण करेंगे तो आप कहाँ से निकालेंगे आवाज़, ओष्ठ से। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दंत ध्वनि कौन सी है आपकी, तो ता, है ना। इसके बाद में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है, संवृत्त है पूछा गया है, तो आपका ई, जिसमें मुंह आपका कैसा हो, आधा खुला हो, बताया था विवृत्त में पूरा खुला, ऐसे करके। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंत ओष्ठ है, यदि दंत ओष्ठ की बात की जाए तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, वाह। जब आप वाह बोलेंगे तो आपका दांत और ओट दोनों ही आपस में टकराएंगे। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि का है, अब बताइए मूर्धन्य फिर से पूछा गया है, टा ठा डा ढा, ये मान के चलिए आपके वर्णमाला से 2-3 क्वेश्चन तो पक्के पक्के बनने हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 96, शा ध्वनि का उच्चारण स्थान है शा, तो क्या हो जाएगा, बी तालव्य। तीनों प्रकार के शा का आपको सा शा सा सबका पता होना चाहिए उच्चारण। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, अभी हमने आपको थोड़ी ही देर पहले पढ़ाया था ला जो है आपका वो कैसा व्यंजन है, तो पार्श्विक व्यंजन है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा, और जो व्यंजन है संयुक्त वो कैसे बने हुए हैं ये भी आप याद रखेंगे। शा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्षा आपका कैसे बनता है, तो देखिए का धन क्षा ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे करके आपको ये कैसे बनता है, तो जा और इंगा से बनता है ना, ऐसे करके बनते हैं सारे, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है, तो पढ़ाया है मैंने आपको, ये सब क्या है आपके अंतस्थ हैं। इसके बाद में बताइए निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है, अर्धस्वर पूछा गया है, तो क्या आपका कैसा है, अर्धस्वर है ना। फिर देखिए इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो फा आपका नहीं है, क्षा ज्ञा और त्र आपके कैसे हैं, संयुक्त व्यंजन है, किन से मिलकर के बने हैं, तो ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है इसीलिए कह रही हूँ मैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, ये आपका PGT TGT UP SSC तक UPSI BEd मतलब हर चीज़ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो किस प्रकार का स्वर है आपका, पश्च संयुक्त। ओके, फिर देखिए अब आप सोच रहे होंगे मैम चार ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ रही, क्योंकि जितनी देर में मैं बोल रही हूँ कुछ ना कुछ उतनी देर में आप तो पढ़ ले रहे होंगे ना। वाह का उच्चारण स्थान है दंत, दंतोष्ठ, ओष्ठ या फिर कंठोष्ठ, बताइए। तो वाह का उच्चारण स्थान आपका क्या है, दंतोष्ठ है।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 105, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, खा जा घा या फिर झा। तो कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, अभी अप्राण महाप्राण वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, तो जा आपकी महाप्राण ध्वनि नहीं है। फिर देखिए किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, बताइए ह ओ छ ए, बताइए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ए। क्या है आपका कंठ तालु। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, झा ह ठा या फिर मा। तो झा आपका क्या है, संघर्षी है, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, तो स्पर्श संघर्षी की यदि बात की जाए तो आपका जा इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बस क्वेश्चन ये आपका आज का अंतिम प्रश्न है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। तालव्य व्यंजन है, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, यस चा छा जा झा, ये आपका क्या है, तालव्य व्यंजन है, है ना। सो ये थे आज के हमारे कुछ 50-60 क्वेश्चंस, और जैसा कि आपको पता है कि आपकी इससे पहले भी एक हिंदी वर्णमाला की क्लास हो चुकी है पार्ट वन की, आप वो प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और दूसरी बात ये है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए बिना कोई फालतू के डिस्कशन के, पता है यही क्लास में अगर आपके लिए ऐसे लेकर के आऊँ, नाम लूँ, ये करूँ वो करूँ, तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। सो मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो, और आप प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए। आपके जो भी नोट्स हैं, जहाँ से भी आपने डिटेल्ड पढ़ रखा है, कोचिंग से, यूट्यूब से, कोई आपने प्लस कोर्स का भी ले रखा हो वहाँ से, जो आपके सेल्फ नोट्स होंगे, हमारा मानना यह है कि आप वहाँ से पढ़ाई करिए अपनी, और यहाँ आकर के प्रैक्टिस करिए। नो डाउट कि आपकी प्रिपरेशन एकदम वेल एंड गुड हो जाएगी। सो थैंक यू।